हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे मतलब अक्ष विद्युत द्विध्रुव है। ये मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है मेरे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी है 2a। ये देखा था, ये पॉइंट ए लेट कर लो, ये पॉइंट बी लेट कर लो, इनके मिडिल पॉइंट ओ। तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपके पास ए, और ये भी हो जाएगी आपके पास ए। ये देखा था कि विद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष पे कोई बिंदु है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। अब हमको देखना है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष, अक्ष ये होगा तो ये कौन सा होगा, निरक्ष। निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पे आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इससे पहले एक और हम चीज देखें, तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर हमेशा होता है, ठीक है। तो उसी का कॉन्सेप्ट हम अभी यूज करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दिया कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो जैसे कि इधर पी का मान क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में होगा, है ना, इस दिशा में होगा। अभी हम बात कर रहे हैं निरक्ष की, ठीक है। तो निरक्ष मान लो कि कोई बिंदु O है, मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु O, O से कोई R दूरी पे कोई पॉइंट है P, ये दूरी है R। तो यहां से मैं इसको मिला लेता हूं, इसको भी मैं यहां से मिला लेता हूं, ठीक है। तो ये दूरी है आपके पास A, ये है A, ये है R। पे बिंदु पे आपको निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण अवे फ्रॉम द होगा, मान लो प्लस क्यू से है ई वन, तो ई वन की दिशा क्या होगी, ये इधर माइनस क्यू से है तो ई टू की दिशा क्या होगी, ये, ठीक है। अब दिशा तो निकाल दी, ये दूरी चाहिए हमको, है ना, ये दूरी भी तो चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो इनके घटक करने पड़ेंगे मेरे को ई वन और ई टू के। तो अब ई वन और ई टू के घटक आपको आता है कि जैसे ये थीटा कोण है, मान लो ये थीटा कोण है, तो इधर होगा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ई वन का इधर घटक क्या होगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो ये है, तो ई वन कॉस थीटा और इधर क्या होगा, ई वन साइन थीटा। अब ई टू इधर है, तो ई टू का इधर क्या होगा, ई टू कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा माना था ना अपन ने, ये वाला एंगल थीटा, तब ये आया था कॉस थीटा। तो ये अब ये थीटा इसको लेट करने के लिए बताया था, इसका थीटा इधर है, तो इसका भी थीटा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। ये हो गया थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, ई टू साइन थीटा। अब मेरे को दूरी चाहिए ए से पी की, ये ट्रायंगल बना मेरे पास, ये है आर, ये है ए, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2, यही होगा। देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2 आ जाएगा। के की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है। ये थोड़ा रफ कार्य था आपका समझाने के लिए, ठीक है। ये दूरी आ गई, अब देखो ये दूरी समान है, क्या है, ये दूरी समान है, तो यहां से E1 और E2 का मान क्या आएगा, समान आएगा। जब E1 और E2 समान हो जाएंगे, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो ये घटक तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, अब ई की दिशा इधर, ई1 ई2 की दिशाएं इधर, तो इधर होगा, तो ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ ई1 प्लस मॉड ऑफ ई2। तो क्या होगा, ई1 इधर क्या है, कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ ई1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टू, क्योंकि ये दूरियां तो समान है, तो ई वन का मान क्या आएगा मेरे पास, के क्यू अपॉन आर का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
का स्क्वायर बट्टा दो, तो ये कैंसिल होके ये बच जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या मान चाहिए, कॉस थीटा, ये समकोण है, तो एल ए एल अपॉन के ए, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आपका ए, कर्ण का मान क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक बटा दो, तो मेरे पास टोटल ई क्या है टू, ए वन ए टू बराबर है तो टू ई कॉस थीटा, ई वन लेफ्ट कर लो तो टू ई वन का मान क्या है, ये रहा मेरे पास के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा का मान क्या है ए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक बटा दो, ये आ गया क्यू ए और ये दो बन जाएगा पी, तो ये के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक प्लस एक बटा दो तीन बटा दो, ये आ गया मेरे पास ई निरक्ष। अब निरक्ष है तो ए का मान क्या होगा आर से, तो क्या होगा आर का मान बड़ा होगा इसे, तो यहां पे पुट करते हैं मान, तो क्या होगा ए नेगलिजिबल होगा तो आर की घात तीन बटा दो, तो आर का हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा के पी बटा आर क्यूब, ये हो गया निरक्ष पे। अब अक्ष पे आपने देखा था ई अक्ष का क्या आएगा टू के पी बटा आर क्यूब, दोनों का अनुपात ले लेते हैं ई अक्ष बटा ई निरक्ष, तो कितना है ये देखो के पी बटा आर क्यूब, के पी बटा आर क्यूब, तो ये आ जाएगा दो बट्टा एक, ये अनुपात भी आपको क्या करना है याद रखना है। तो यह था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सब कुछ, कि कैसे अक्ष पे तीव्रता ज्ञात की जाती है, कैसे निरक्ष पे तीव्रता ज्ञात की जाती है। एक आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है कि जो जिसका बल है ना, बल इंटू दो बलों के बीच लगने वाली क्रियाकारी रेखाओं की लंबवत जो दूरी है वो दिखानी है आपको, तो देखते हैं बल आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं है ना। अब बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आपको बताते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये मान लो कोई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू और ये ई की दिशा, ये है मेरे पास टू ए, ठीक है, ये मेरे पास क्या है टू ए, इसका इधर क्या हो जाएगा एफ क्या होता है क्यू इंटू ई, एक बल की दिशा इधर एक बल की दिशा है इधर, तो कैसे निकालूं, तो बल आघूर्ण का क्या होता है टॉर्क बराबर बल इनटू दोनों बलों के बीच की क्रियाकारी रेखाओं की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कौन सी है ये है, तो इसका मान लो ये थीटा है तो इधर क्या होगा कॉस थीटा और इधर क्या होगा टू ए साइन थीटा। अब बल कितना है मेरे पास क्यू ई टू ए साइन थीटा, अब क्यू इंटू टू ए ये हो जाएगा मेरा PE साइन थीटा, ये क्या है बल आघूर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो अभी तक पढ़ा इसके अंदर लगभग लगभग जो RBSE बोर्ड का है जो पुराना जो सिलेबस चलता था उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, NCERT के अकॉर्डिंग हम बात करें CBSE के अकॉर्डिंग बात करें तो अब आता है गॉस लॉ, अगर आपके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं गॉस लॉ उसके एप्लीकेशंस, तो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय।